चौकी में जाके क्या सुबह ही से थाली बजा रहा है, रात चूहे दौड़ते रहते हैं तेरे में। मैं लाली मैं काली मैं कंगू वाली अभी देती हूँ तुझे खाने के। माँ मेरी कापी नहीं मिलती। माँ मेरा मजा नहीं मिलता। गीता रात कमीज धोई थी गीता, कहाँ रख दी? हाय रा शांति तेरा जूता कहाँ है? ये रहे मुर्दे, परमात्मा ने आंखें दी है तो देखने के लिए। मेरी काफी ना जल्दी कर गीता। ये क्या है उसका? तू तो बस माही पर तो गई है। बातें मत बनाओ जी। लेकिन मेरी कमीज जाने कहाँ डाल दी? तुम भी तो किसी बच्चे से कम नहीं हो जी। झूठ बोलती हूँ, इतने से थे जब इस घर में आई थी, पाल पोस के बड़ा भी कर दिया, जब भी वही लक्षण है तुम्हारे। अच्छा अच्छा जाओ तुम अपना काम करो, मैं सर्दी के मारे मरा जा रहा हूँ। हे भगवान। चलो माँ स्कूल से देर हो रही है। सर से देर हो रही है क्या? निपट पी लो, सभी तो मेरी जान के लागू हो रहे हैं। उधर मेरी तरक्की हुई, इधर मैंने नौकर रखा। इधर तुमने नौकर रखा, उधर मैं पलंग पे चढ़ के बैठी। 10 साल से तेरी सुन रही हूँ, ला अपने अपने डिब्बे।
यहाँ तो सर्दी के मारे कुछ ही जम रही। वो भी मुन्ना स्वेटर पहना ना बेटा। ये क्या है तीन कमीज पहने, एक दो तीन, वन टू थ्री। ओ शान बेटे के पास तीन कमीजे हैं और मेरे पास एक, सिर्फ एक, दो भी नहीं तीन भी नहीं। कितनी सर्दी है बाहर, ये चाहता है यही बैठा रहूं तेरे कने। जा, एक बात कहूं, मानोगे? अरे तू कहे और मैं ना मानू। झूठे कहीं तू, तुमने आज तक मेरी एक भी मानी है? मगर तू कुछ कह के तो देख। आज पहली तारीख है, तनख्वाह मिलेगी, गरम कोट सिलवा लो। 110 तनख्वाह है, उसमें से दूध के पैसे देंगे, बनिए का हिसाब चुकाएंगे, फिर मंगल सिंह की लकड़ियों का बिल है, बीमे के पैसे, बच्चों की फीस है, मकान का किराया, और तुझे मेरे कोर्ट की पड़ी। अच्छा तुम मेरे नहीं मानते ना, मैं भी तुम्हारी एक नहीं मानूंगी। क्या नहीं मानोगी? बस कह चुकी, कोई बात ना मानूंगी। अरे बाबू, तेरी रानी जी है। क्या बेहुदा फैशन निकला है साहब जी, कपड़ों से तन ढांपते हैं ना कि नुमाइश करते हैं। ये देखिए, 4 साल हुए, वो मरांजा मरांजा इन कंपनी है ना, वो पुराने कोटों की दुकान, वहां से लिया था, अभी तक जा रहा है जी, और अब तो बिल्कुल ही जा चुका है। अंदर बैठे हो, बाहर निकलो तो बताएं। लॉ मनी ऑर्डर। कश्मीरा है, क्या भाव में दिया है? चुप, माइंड योर ओन बिजनेस। जी माफ कीजिए। गिरदारी क्या सारे दिन सिर डाल के बैठा रहता है यार, तू हमसे कुछ ज्यादा काम करते हैं। कैश का मामला है। वो कैश का मामला है तो उधर भी तनख्वाह का मामला है भाई, तनख्वाह का मामला। तनख्वाह? हाँ तनख्वाह।
खान भाई, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ये रोज के पैसे हमें दे दिया करे और हमारी तनख्वाह खुद ले लिया करे? हो सकता है, जरूर हो सकता है। और चल यार, किस चक्कर में पड़े, बंद कर इसको, चलो। हो जाएगी हो जाए, हो जाए, क्यों शेर खान? ओ, हम तो तैयार है मेरी जान। तुम ही घर जाकर बीवी के पास बैठ जाएगा। नहीं शेर खान, हमको बीवी की परवाह नहीं है। अच्छा। बुलंदी कितने पैसे डालते हैं गिरधारी? वो मुझे भी ले चलो यार, खूब महफिल रहेगी। अरे वाह, कर दूस पर खिचू। लाले की जान, लाले की जान, आठ आने दूंगा, एक पेड़ लूंगा। जाओ एक कबाब में हड्डी, जाओ और जो नहीं कर दूं एक बात। सुनो, यहां से फुर्सत मिलते ही चले आओ। जरूर जरूर मेरी जान। मुनी, आज गिरधारी की बीवी खूब जलवा निकाल कर बैठी होगी। बीवी तो गिरधारी की खान, अपनी तो बस खान जी। चल भाई। नहीं मिल रहा, मेरा कैश कम हो रहा। ओहो, कैश कैसे कम हो गया गिरधारी? फिर से गिनना यार। मुझसे नहीं गिना जाता, कभी 101 रुपए आठने कम हो जाते हैं, कभी हमसे भी ज्यादा। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। ओ यार, क्या मर्द का बच्चा बनते हैं। उठ, मुझे गिनने दे, उठ उठ। अब क्या होगा? अब लड़का होगा, घबराता क्यों है? नहीं मुनि भैया, आज एक पाप की बात मन में आई ना, जब ये सब हुआ। क्या पाप की बात? यही शराब पीने की, और क्या, मेरी बच्चों का पेट काटना और शराब पी डालना। भगवान शराबी को कभी माफ नहीं करता मुनि भैया। अब रहने देना। अरे तो भगवान को मुझसे ज्यादा जानता है यार, है अपना। उठ गए मामू, एक घंटा लगा दिया। 101 रुपया आठ आना कम है भाई। हाँ भैया, 101 रुपए आठ आने का फर्क है। इसका मतलब है कोई 100 रुपए वाला पैसे देकर नहीं गया। कौन 100 रुपए? यहाँ तो 11 आदमियों ने 100-100 के मनी ऑर्डर करवाए हैं। ओहो, तुम सबका पता लिखो ना। ए, मुझसे नहीं लिखा जाता खान भैया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो देखा नहीं क्या? वो कौन? वही जिसके साथ सुबह मेरा झगड़ा हुआ था। कौन कहा? हाँ ये रहा, भेजने वाले का पता है, सलामतुल्ला शाह 35/2 राजपुर रोड। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, मगर वो पैसे दे देगा? अरे खुद देगा कैसे नहीं, उसका अच्छा भी देगा। हमारा नाम तो शेर खान है, शेर खान। अच्छा तो फिर चले। चलो नहीं, पहले सरकार के पैसे पूरे करो। हैं जी, मगर अच्छा, ये 8.5 रुपए मेरे और ये सरकार के, सब गिना गिरा रखा है, खजाने में भिजवा दो। सलामतुल्लाह शाह का घर। ठहरो, हम भी आते हैं। नहीं नहीं, तीनों जाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा। तुम यहीं जाओ, ठहरो जब इतना जल्दी आना, नहीं तो शराब का ठेका बंद हो जाएगा। मुनि, बहुत ठंडी है यार, तक गया। चलो उधर जाके बैठेगा आराम से। शाह साहब है मगर नहीं, बस सिर्फ इतना कह दीजिए एक आदमी आया है। कौन है, क्या है? बंदूकी शाह साहब, मैं वही हूँ, डाकखाने का क्लर्क। सुबह मेरी गलती से आपने मुझे रुपए नहीं दिए। तुम्हारी गलती से मैंने रुपए नहीं दिए, मैं सब देकर आया हूँ जी। आप
जरा अपने जेब देखिए। क्या भगते हो? बेईमान आदमी समझते हो मुझे? बाजी कमीना कहीं के, चले जाओ यहाँ से। जी मैं कमीना, बाजी भी हूँ। मेरे तीन बच्चे जो हुए और भी, मगर आपको मेरे घर की बातों से क्या लेना। शासा, मैं गरीब आदमी, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, मेरे हाथ पे तरस खाई, हिसाब में कुछ पैसे बढ़ते हो तो दे डालिए, पूरे नहीं तो कम ही दे दीजिए। हुजूर मेरा है शासन, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर इतनी नहीं, मगर इतनी नहीं। अब होश आया, तमीज से बात किया करो। जी जो आप कहते हैं, जैसा आप कहते हैं शासन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन पैसे से पूरा एक महीने गुजारूंगा, एक एक लुकमा खाऊंगा और आपको याद किया करूंगा। परमात्मा आपको। बला के पति है हम, गजब का टंडी है मुनि। क्या बारिश हुई है? बहुत बड़ा बड़ा ओला पड़े किनार। जम गया यार, हम भी बर्फ हो गया यार। वो गिरदारी का बच्चा अभी तक नहीं आया कमबख्त। चलो चल के देखेगा उसको। हाँ बताओ चंदा बेटे, तुम किसके बेटे हो? भाभी की है। मर गई, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाग्य तो यूं आ रहा है जैसे पुलिस पीछे लग। बस पुलिस ही समझो। मुन्ना बेटा, बाहर का दरवाजा बंद करने चले। वो खान और मुनीलाल है ना, आज उससे कहने लगे हमारे साथ शराब पियो। मैंने कहा कभी नहीं, कभी नहीं। कहने लगे तुम्हें पी नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मैं भागा। कैसे दोस्त थे आपके, ऐसे ही क्या खून बरस रहा है उनके घरों पर? यहाँ खाने को रोटी नहीं, पहनने को। खरीदा तुमने कोट का कपड़ा? फिर वही कोट। जब देखो कोट 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 कोट। आज तो तुम्हारे कोट ने बेड़ा ही घर कर दिया था। इसके ख्याल में मैं एक आदमी से मनी ऑर्डर के पैसे लेने ही भूल गया। वो तो जाने किसके पाव के खराज मिल गए। वो लोग आ ही रहे हुए, तुम उनसे मत कहियो मैं घर आ गया हूं। लाल परी मोती जड़ी, मैं गुलफाम है, लाल लाल है, जड़ में खुशहाल है। टोको टोको। वही वही पिता, पिता, उनसे कहना नहीं मैं डरता हूँ। झूठ कैसे बोल दू? बोल देना बड़ी आई है सिस्टर की बच्ची। पिता क्यों नहीं कह देते मैं शराब नहीं पीऊंगा? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। जाती है घर वालों पे तो बड़े शेर होते हो, बाहर मुझसे मियाँ भी नहीं निकलते। अरे क्या बात करते हो हम, ऐसी बीवी हमको मिलती तो हम भी दन मुरीद हो जाता। क्या बीवी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। सलाम भाभी जी। सलाम भैया। आप अंदर आओ ना। नहीं भाभी, बात यह है कि हमें बहुत जरूरी काम है। कहाँ है तुम्हारा? हमारा यहाँ अंदर है। आप आइए तो, इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़े हैं? हम यहाँ ठीक है भाभी जी, आप उसको इधर भेज दीजिए। ना आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप उसको भेज दीजिए ना भाभी जी। नहीं नहीं, आप आइए ना। वो चेयर का बच्चा है, बिल्कुल गिरदारी की तरह बात करते हैं। बैठिए, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं भाभी, चाय नहीं पिएगा। उसे पहले बाहर निकालिए। निकालती हूँ, मगर चाय पीनी ही पड़ेगी। आप कौन रोज रोज हमारे घर आते हैं? पानी रखा हुआ है? मर गए यार, अगर चाय पी ली तो इसका मजा जाता रहेगा। हम जानते हैं यार, मगर क्या करेगा, ये सब उस खबीज के बच्चे का बात है। जरा ले, लेते हैं खबर उसके। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? ओहो तुम चला गया था। अभी उल्टा हमें बनाता है कभी ने पाजी। और कब बच्चा सोच को बच्चा लोग तो सब ठीक है ना भाभी? हाँ भैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गिरधारी? हाँ हाँ, दुआ है तुम्हारी। ये गरम पानी पिलाता है बच्चा, सारा मजा खिलकर तो करेगा नहीं।
चोर बेईमान शैतान, चलो हमारे साथ। पूछ पूछ कैसा हूं। बच्चा लोग पढ़ते हैं? हाँ खान, छोटी पहली में पढ़ती है, वो तीसरी में, और छोटा वो कहाँ गया? वो मस्त मलंग है। अच्छा अच्छा, परमात्मा उम्र दे, एक दिन बड़ा होगा। क्यों नहीं, उसका ब्याह होगा, शादी होगा, मैरिज होगा। बेटी जाएगी भाभी की, बहू आ जाएगी। चक्कर तो बना ही हुआ है दुनिया का भैया, तुम्हारे भी तो बड़े हो गए, और खान भैया ने तो अभी तक शादी भी नहीं की। शादी क्या करेगा भाभी, पैसा होएगा तो मुल्क को जाएगा। अभी तो बहुत गरीब आदमी है, क्लर्क होगा, सब होगा खान भैया। तुमने कॉल किया, तुमने शराब लिया। अरे बाबा पैसे ले लो, मेरी जान छोड़ो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तेरी तबीयत की ऐसी तैसी, जालिम का बच्चा उठना। आज मुझे माफ कर दो ना। कोई आज नहीं पिएगा तो तेरे को खुदा भी माफ नहीं करेगा। वो जालिम का बच्चा तो दो जख्म जाएगा, दो जख्म। बड़ा खुश नसीब है तू गिरदारी, ये घर नहीं जन्नत है जन्नत। अरे ये सब भाभी की बदौलत है। बोले ये शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। हाँ हाँ, क्या चाय बनी है? वो मजा आ गया भाभी, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने कहा जी आप चिप्पे की बोतल लाए और मुझे बताया। कितने दिन चढ़ा, आज फिर खैर। बेटा तुम अभी तक सो रही हो, उठो ना, नहीं उठोगी? अच्छा तो आज मैं भूखा ही दस्तक चला जाता हूँ। कैसा दस्तक, आज तो तुम छुट्टी है। ओह ओह, बच्चे कहाँ हैं? बेटा बच्चे कहाँ हैं? मैं हूँ राजा तू है रानी, कौन भरेगा पानी?
राजा तू है रानी, कौन भरेगा पानी, चल भर लोटे में पानी। दीदी नींद तेरी तो पानी में पी रानी, दीदी नींद तेरी तो पानी में पी रानी, चल भर लोटे में पानी, चल भर लोटे में पानी, चल भर लोटे में पानी। दीदी नींद तेरी तो पानी में पी रानी, दीदी नींद तेरी तो पानी में पी रानी, दीदी नींद तेरी तो पानी में पी रानी, दीदी नींद तेरी तो पानी में पी रानी। बस क्या का प्रोग्राम हो जाएगा, पहले हाथ मुंह धो लो और ये अपनी झुलके को ठीक कर लो। अजी होती रहेगी। आज चाय का मजा ही और है। बड़ी हो गई ना मेरी बेटी, अब माँ को सुख देगी। सुख देगी उन्हें जिनके घर जाएगी। हाँ गीता, चार पांच साल में टोपी मुन्ना चला जाए। बड़े रोने हो तुम, तो जब मेरी डोली गली थी तब भी रो दिए थे। हाँ गीता, मैं कुछ ऐसी ही मट्टी से बना। आज मैं बाजार जाऊंगा और बिटिया के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। जा बेटे कलम दवा तो लिया, लिख ले। बाबूजी पेप्सी कल भी लाना, गुलाब जामुन भी लाना। नहीं गुलाब जामुन नहीं, बाबूजी अपने कोट का कपड़ा लाए। नहीं जी सिर्फ कोट का कपड़ा लाना। जामुन भी लाऊंगा, गुड़िया भी लाऊंगा और गुब्बारे भी लाऊंगा। और मेरे पेट में गड़बड़ रहती है ना, दवा खाने से रिफिल जमाने में ले आऊंगा। और गीता तेरे लिए, मैं तेरे लिए बूंदे, सफेद सूट के लिए सफेद बूंदे। हटा जी, पहले तुम अपने कोट के लिए गीता। मुई मूर्ति, मैं जब इनके कोर्ट की बात करती हूँ ये बीच में अपनी दस्तूरी लेती है। दो एक रुपए और दे दो, सौ की रेजगारी नहीं मिलती। भूल ना मत कोर्ट का कपड़ा। हाँ और बुंदे भी। राजू गुड़िया ऐसे कर। ओपी मैं तेरी दस्तूरी जरूर लाऊंगा। हाँ हाँ सारी दुनिया खरीद लाना 100 रुपये में। तूने समझ क्या रखा है 100 रुपये? आपको क्या चाहिए जी? बुंदे ये रहे 35, 45 और 55। बुंदे और इतने महंगे जी? कैसा मदीदा है, शर्म नहीं आती जी? माफ कीजिए, मैं तो जरा, आप जरा तशरीफ ले जाइए, यहां से जाइए। देखिए मैं 20 रुपए नहीं सिर्फ 10 दे सकता। ये मुझे मकान का किराया देना है, बिजली का बिल, बीमे के पैसे और फिर मंगल सिंह की लकड़ियों का। अजीब आदमी हो, मुझे मंगल सिंह से क्या लेना है? पूरे दाम है तो निकालो, नहीं तो। अच्छा देखिए भाई साहब, मेरा लड़का इस ट्राइसाइकिल पे चलेगा तो कितना खुश होगा। आप नाराज क्यों होते हैं? 10 इस महीने ले लीजिए, 10 अगले महीने ले लीजिएगा। हाँ जी गुलाब जामुन है। हाँ जी कितनी चाहिए? दे दो एक दर्जन। अच्छी बात है। इतारियाँ? हाँ जी बिल्कुल गरम गरम है। अच्छा तो
ऐसा करो गुलाब जामुन डाल दो कुल्हड़ में और मैं जरा किचौड़ियों का प्रोग्राम कर अच्छी बात है। अंदर आइए। अभी देख छह और लिया बेटों के लिए। जी मेहरबानी। अरे मेहरबानी काहे की। क्या काम करते हो? जी मैं लोको शॉप में अप्रेंटिस हूँ, शागिर्द। पंखों के आर्मेचर बनाता हूँ। आजकल तो बहुत सर्दी है। जी मैं दिन में नेकटाइयां बेचता हूँ और रात को पढ़ता हूँ। ओह मेहनत करते हो, तब तो तुम्हारा हक है। मैं फाड़ू फिर तुमसे एक नेकटाई खरीदूंगा जो मेरे इस कोट को मैच करे। जी मैं लाता हूँ। पहले खा तो लो। तुम तो खाओ, खाने पीने से क्या अच्छा है। खाओगे सेहत बनाओगे। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो 30-30, 40-40 कचौरियां एक साथ खा जाया करते थे। जब तो ये जान है और डाकखाने की नौकरी कर लेते हैं। बोल। ये सब ऐसा कुछ लाइए जो स्टाइल से मैच करे। अरे भाई फिर दुखती रख छेड़ दी। 100-125 तनख्वाह मिलती है, किसी ना किसी तरह से गुजारा हो जाता है। यहाँ शहर में तो एक से एक पड़ा है, मगर उधर गांव में बड़ी इज्जत है। जिस तरफ चले जाओ लोग नमस्ते सलाम करते करते बिक जाते हैं, कहते हैं बाबू आया है। कोई बात नहीं और आ जाएगा। क्या लाला कितने पैसे हुए? पैसे बस बाबू जी 2 रुपए 4 आने। 2 रुपए 4 आने बस। मेरे पैसे गुम हो गए लाला। मेरे पास 100 रुपए का नोट था, अब नहीं। मैं सच कहता हूँ लाला, दीदी ने मुझे नोट दिया था, मैंने इस अंदर की जेब में रखा था। अब क्या हुआ, तीन बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे जाओ जाओ बाबू, यहाँ बहुतों के नोट गुम हो चुके। मुझे काहे की कसम दिलवा लो लाला, मैं जाओ जाओ जाओ। मैं पैसे दे जाऊंगा लाला जी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। पहले पैसे दे जाइए फिर बाद में ले लीजिएगा। मेरे नोट तो नहीं आ गया था, मैंने जैसे बिल निकाले थे बिल आ गए मगर पैसे ये है मेरा नोट। अरे अरे तेरी मोर लगी है पर ये नोट मेरा है। मेरा है तेरे बाप का है, पकड़ो। मैंने दिया है, मैंने अभी तुम्हारी टिकट खरीदा। मेरा नोट कहाँ गया? मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। मेरा नोट, मेरा नोट। शेर साहब मेरा 100 का नोट यहाँ तो नहीं गिर गया? 100 का नोट देखा भी है कभी? हाँ शेर साहब, मेरा 100 का नोट कहीं गिर गया। बाबू जी कैसे कर दी लाना, गुलाब जामुन भी लाना। और जी मेरे लिए गुड़िया लाना, ना कहीं की गुड़िया से बिया करूँगी। हाँ बेटे सभी लाएंगे, सब चीजें लाएंगे। Pagkakakilala ako, buti ka pwede nikalo. Mary Steve, buti? Mary, school sa pwede na lang sa tiyaga.
नींबू का फायदा नहीं जानता खान। हकीम बुआली सेना ने लिखा है कि नींबू जहर के लिए त्रियाक का काम करता है। वो हम बुआली सेना को भी जानते हैं और तुम को भी जानते हैं। सर में दर्द हो, पेट में वर्म हो, हैजा हो, कोलंज हो, लकवा हो, अधरंग हो, नींबू सबको फायदा करता है। और जो सबसे बड़ा फायदा है कमीने, उसकी बात ही नहीं। क्या? बस आधा नींबू किसी की दाल में निचोड़ा और बराबर खाने बैठ गए। वो तो बेरहम होनी भैया, पर नींबू है वो चीज। ओ नींबू निचोड़ का बच्चा, काना है तो काना खाओ, मगर हमारे सामने नींबू का तारीफ मत करो। नहीं करूंगा खान, नहीं करूंगा। क्या बात है गिरदारी, तुम काना क्यों नहीं खाते? कुछ नहीं खान भैया, कोई बात नहीं। कुछ तो है यार, हमको क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं खान भैया, तुम्हारी भाभी घर में भूखी बैठी होगी बेचारी, जो कुछ था मुझे पका के दे। लेकिन उस दिन तो हम तुमको 10 रुपया दिया था यार। खर्च हो गया खान भैया, उसमें से आधे तो दूध वाले ने ले लिए। 5-10 और दे दो, मेरे कुछ दिन और कट जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है खुदा की कसम गिरदारी, हम सब मुल्क को बेचती है। हमारे पास एक भी पैसा होता था तो हम शादी करता था। यहीं से 4 पैसे दिलवा दो, किसी से कहना नहीं। मैंने एक ट्यूशन ले रखी है, महीने के बाद जब पैसे मिलेंगे तो मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। तुमको तो मालूम है बिरादरी मन कि हम अपना कुला भी तुम्हारे लिए बेचने को तैयार है। तुम्हारे पास खुदा है, अपने पास वो भी नहीं। मगर तुम खाना तो खाओ यार गिरधारी लाल। हाँ खाओ जी खाओ, रोगना लगाओ जी को, नहीं तो हाजमा चौपट हो जाता है। कहो तो नींबू निचोड़ दूं तुम्हारी दाल में। तुम नहीं जानते गिरधारी, नींबू वो अक्सीर है। ठीक कहता है, नींबू वो अक्सीर है कि जिसका जवाब नहीं। इसने एक फायदा बिल्कुल नहीं बताया। क्या? हम बताते, नींबू हमको दो। ये नींबू को जिसकी जेब के अंदर निचोड़ दो, मालूम हो जाता है कि उसके अंदर कितना पैसा है। कुछ नहीं खान, अपने पास कुछ नहीं, तेरी जान। झूठ बोलता है भाई कमीने। निकाल 10 रुपया निकाल बोलता हूं। नहीं है खान, वो की पीर की कसम अपने पास नहीं है। चाहे तलाशी ले। तुम क्या समझता है खंजीर कि हम तुमको छोड़ देगा? निकालो पैसा। वो नहीं है दान, वो नहीं है दान। क्या बता, आधा का है। ओए हमारा दोस्त और हमारा भाई भूखा मरता है और तुम पैसा रखते इधर। ओ खान,
ये क्या है बेईमान सूदखोर का बच्चा, ये क्या है? वो छोड़ दे खान, छोड़ दे। वो मेरे लिए खान, ये पैसा अपना नहीं, बीवी का है। वो बीवी मारेगी खान, वो मैं मर जाऊंगा खान। मर जाओ, अभी ना, अभी ना। वो देख सकते पकड़ो ना यार, ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया। पैसे वापस कर दूंगा काशी भैया। और तुम इसका पैसा वापस करेगा तो हम तुम्हारा किसी को जितनी दफा ये नींबू निचोड़ कर दाल खाया उतनी दफा कम पैसा खाता है। सब हिसाब बराबर हो गया, तुम ये 10 रुपए लो और भाग जाओ। ओ गिरदारी, ओ जाता है या ओ गिरदारी, ओ गिरदारी कहां जाते हो? मेरे पैसे दे जाओ। कहियो रोए दुखिया रे, जा रे पंछी तू जा रे, जा रे पंछी तू जा रे, मैं
कौन है? वकील साहब चले गए? हाँ, मैं तुमसे मिलने आई थी भाभी। और मैं तुम्हें बुलवा रही थी, जरा एक काम तो कर दे मेरा रानी। हाँ कहो। तू तो जानती है मैं बाहर नहीं जा सकती, जरा मंदिर में जा, थोड़ा आटा मेरी तरफ से चढ़ावे में दे दे। हाँ जरूर भाभी। प्रकाश बेटा, जरा जाओ तो अपनी चाची को थोड़ा आटा दे दो। माँ भूख लगी है, खाना दो। ये क्या? मैं इस वक्त सेविंग ब्रांच में लेजर कॉपी करूं? हेडक्लर्क साहब, मुझे हर रोज 5:30 बजे कहीं पहुंचना होता है। रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है और मैं लेट हो जाता हूं। ऑर्डर्स और ऑर्डर्स नहीं लिख दो, यहां मैं करने को तैयार नहीं। अच्छा हेडक्लर्क साहब, ये क्या? मैं ये नहीं करूंगा, आप मुझसे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। 8 घंटे? जानते हो कानून की रूह से तुम 24 घंटे के मुलाजिम हो। हम अगर हेडक्लर्क साहब, मुझे कहीं पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानता, पहले काम करो उसके बाद जाओ। काम करो। मैं फिर लेट हो गया। हम भी लेट हो गए, सिनेमा जा रहे हैं। अगर आपको रोज इसी तरह देर से आना है तो ट्यूशन की तकलीफ मत कीजिए। जी नहीं, फिर कभी ऐसा ना होगा, बस इस बार आखिरी बार माफ कर दीजिए। बच्चे को यहीं छोड़ जाइए, मैं इसे पढ़ा दूंगा। नहीं अभी नहीं, कल भी देर से आया तो समझ लो छुट्टी है। चलो बेटे। बाबूजी नहीं है? नहीं। आप रोज देर से क्यों आते हैं बाबूजी? वो तुमसे नाराज हैं, सबसे नाराज हैं। तुम रोज कोई ना कोई चीज मांगने बैठ जाते हो ना, सारे कान खोलकर सुन लो, खबरदार अगर उनसे कोई चीज भी मांगी तो। पहनने को भी नहीं? नहीं। खाने को भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। बाजी 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 बाजी। क्या है बे? गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। ओहो, तू गुलाब जामुन ही ना खाएगा? बड़ा है लाठ साहब का बच्चा। हाथ मुंह धो लो, पानी गर्म है। हाथ मुंह भी धो लेता हूँ, दम तो लेने दो, आते ही गिर्द हो जाती हो। अच्छा अच्छा जी, तो मैंने कहा जरा तुम्हारी मर्जी। खाने वाने का क्या हुआ? खाना पका है, अभी देती हूँ। मगर कैसे पक गया? घर में आटा वाटा तो था नहीं? आटा वकील साहब की बीवी से मिल गया। वकील साहब की बीवी से? उसे क्यों लिया? मैंने कहा हाथ फैलाए थे, उसने खुद ही दे दिया। उसे कैसे पता चल गया हमारी हालत का? तुम्हें कब पता है जी, तुम पूरी बात तो सुनते नहीं मेरी। वकील साहब की बीवी के बच्चा होने वाला है ना, कहने लगी मैं मंदिर नहीं जा सकती।
मेरी तरफ से ये आटा कर भगवान के लिए आना। और तुमने इस आटे से रोटियां पका डाली। क्या बुरा किया, सोचा आज तो तुम कुछ पैसे लाओगे, उनसे आटा खरीद के मंदिर में देंगे। डूब मर, कुछ भी शर्म रह गई तो कुछ खा मर, भगवान की मानत का भी ख्याल नहीं किया। इस मेहमानत की क्या बात है जी, हम भी तो उसी भगवान के बच्चे वाले हैं, हमारा पेट पालना भी तो उसी का फर्ज है। खा लो ना रोटी। ये रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। ये क्या कर रहे हो, एक तरफ भगवान का आदर करते हो और दूसरी तरफ अन्य देवता का निराधार। खा लो, तुम्हें मेरी कहीं चल दिया नहीं, दूर हो जा मेरी आंखों से, कमीनी, भगवान के साथ भी हाथ कर दिया। भगवान ने हमारे साथ हाथ नहीं किया, सौ का नोट नहीं गुम कर दिया। तुम कुछ ही कहो, मैं भूखी मर सकती हूँ मगर इन बच्चे बालों को बिलकते हुए नहीं देख सकती। दिन भर मेहनत करते हो, तुम्हारी आंखें सूखते नहीं देख सकती। खा लो ना, पाप नहीं किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। मुझे उसकी सजा मिलती है तो मिल जाए। हाय जी, तुम्हारा बदन तप रहा है, तुम्हें तो बुखार है। चलो अंदर चलो। और कुछ नहीं गीता, बस मुझे सर्दी लग गई है, यहाँ बस मुझे आराम हो रहा है। मंगल जी, तुम फिर आ गए, उस दिन तो कहा था कि पैसे नहीं है। नहीं दीदी, अब हमसे इंतजार नहीं होता है। क्या हुआ, दो दिन देखना पड़े तो? तुम भी तो गीली लकड़ियां भेजते हो, फूके मारते मारते दम निकल जाता है। झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब बहाने हैं पैसा ना देने के। ऐसा है तो ऐसा ही सही। मत शोर मचाओ, मत इकट्ठा करो मोहल्ले वाले को। मैं शोर मचाऊंगा, निकालो से बाहर बात करूं। क्या है पुष्पा के माँ, कुछ नहीं चाची। ये लो 10 रुपये, अब चले जाओ यहाँ से, बाकी के फिर भेज दूंगी। क्या मतलब, दफ्तर जा रहे हो रात भर इतना बुखार का? बुखार बुखार की बात छोड़ो, लाओ रोटी दो। अरे ये क्या, खाना नहीं पकाया? नहीं। क्यों, आटा नहीं लाई? रात 10 रुपए दिए जो थे वो तो मैंने मंगल सिंह को दे दी। क्यों दे दी मंगल सिंह को? क्या करती, शोर मचा रहा था, मोहल्ले भर को इकट्ठा कर रहा था। आप क्या करेंगे, कहां से खाएंगे, बोल बताना। वो तो भूखी मरेगी, साथ हमें भी ले मरेगी। मेरा क्या है, मैं जाता हूं, तू खा ठंडी ठंडी हवा। मत समझो मैं और पैसे ले आऊंगा, मुझे कोई फूटी कौड़ी उधार में नहीं देता। ऐसे कमबख्त महकमे में काम करता हूं जहां ऊपर से एक पैसे की आमदनी नहीं होती। दुनिया भर की ईमानदारी हमारे हिस्से में आ गई है और शराफत तेरे हिस्से में। बज गए गड़धारी, बंद कर ये हिसाब किताब और जा, रात तुझे बुखार था ना? हाँ मुनीला, मगर चला भी जाऊं तो क्या फायदा है, ट्यूशन पर भी तो जाना है। ओहो गोली मार ट्यूशन को यार, जाने तो जहान है। नहीं खान, तुम नहीं जानते। गिरधारी लाल, मुनीलाल, यस सर, यस सर, यस सर। क्रिसमस की भारी डाक आई है, 5:30 की डिलीवरी में भेजी जाएगी। चलो, पोस्ट मास्टर का हुक्म है। अब क्या होगा, हाँ मुझसे तो अब खड़े भी नहीं हुआ जाता, और फिर ट्यूशन पे नहीं पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा, 10 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलो वल्लाह हम तुम्हारा मदद करेगा, हम कोशिश करेंगे कि तुम 5:45 के करीब निकल जाओ। Thank you.
बहुत शुक्रिया गिरदारी। जो तूने किया ठीक ही किया। क्या ठीक किया? वही भगवान का चढ़ावा रख लिया। कभी तो मेरा भी जी चाहता भगवान से वो बदला लूं कि याद ही करे। मैं पूछता हूँ, इतनी मेहनत करके इतना ईमानदार आदमी बन के मैंने क्या पाया? तू ही बता क्या पाया? और बेईमान आदमी जरा सा मन का कांटा बदलने की देर, फिर ये ऊंचे ऊंचे महल, वो लंबी लंबी मोड़। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। कोई इंसाफ? अब सब मुझे गाली देता है, मैं तुझे गाली देता हूँ, वही गाली तो बच्चों को दे देती है। जानती है ये गाली चलती कहां से? ऊपर से। ये 50 रुपए दे दीजिए मेरे। ये साहब बाकी के पैसे। आगे वाले को पैसे देने और तुम्हारी नियत बदल गई? लाओ मुझे रसीद दो और बाकी के 49 रुपए और कुछ आने। मैं कुछ नहीं जानता, हमने काउंटर पे तो रखे थे। आप अपनी जेब देखिए, गिर गए होंगे या कोई और ले गया हो। उससे मत बताओ मुझे। देखिए गलती आपकी है, आपको पैसे लेकर काउंटर से हटना चाहिए था। मगर आप फिक्र नहीं कीजिए, पैसे होंगे तो इसी कैश बॉक्स में। ये कैसे हो सकता है? मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। इसकी जेब देखो, तलाशी लो। मैं तलाशी नहीं लूंगा। आप तलाशी नहीं ले सकते? ओह, तुम कोई वारंट लेकर आया है? हाँ वारंट लाया हूँ। इसके पास पैसे नहीं तो घबराता क्यों है? अजीब बात है, इसने पैसे रखते लिए हो तो क्या जेब के सिवा कहीं नहीं छुपा सकता? तो फिर इसे डर क्या है जेब दिखाने में? आने यार गिरदारी, क्या डर है तुझे? जेब दिखा देना। और यार दिखा देना। देख लीजिए, अगर आपके पैसे होते तो 50 रुपए के ऊपर होते। ये मेरे पैसे हैं, मेरे। कमाल है, तनख्वाह से नहीं बचता 300 रुपए। और कोई ये किसी से उधार नहीं ले सकते हो? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पैसे अगर सीधे हाथों से ना निकले तो मैं दूसरे तरीके से निकाल लूंगा। तो हम भी देखते हैं कैसे निकालते है तुम। हो मैं भी देख लूंगा। खुदा खबर के दर से हमको क्या पता। कुछ समझ में नहीं आता मनीलाल, अगर गिरदारी ऐसा हो सकता है तो सारी दुनिया ऐसा हो सकता है। चलो बाहर चलकर पकड़ेगा उसको। Thank you.
तुम यहाँ क्या करने आए? चले जाओ यहाँ से चोर उचक्के। मैं तुम्हारा सब बंदोबस्त कर चुका हूँ। तुम समझते हो तुम मेरी खुशामद करके बच निकलोगे? तुम्हारी तो हैसियत क्या मैं डाखाने भर की ईंट से ईंट बजा डालूं? ये क्या बाबू, बाबू तो दिया जाओ। सुनो तो बहन, ये क्या है? कुछ नहीं, हम कागज लेते हैं और थैले बनाते हैं। टेकड़ी के आठ आने मिल जाते हैं। आठ आने? लाला जी, मैं भी थैले बना सकती हूँ। नहीं भाई, सब कागज बच चुका। देखिए तो शायद थोड़े पड़े हो। मैं छियान टेकड़े ले लिया करूंगी। जानती भी हो थैले बनाना? स्कूल में पढ़ते थे जब सीखे थे। तो तुम क्या बताओ, वक्त ही कुछ एहसान पड़ा है। मगर हम आपको जानते नहीं, आपका पता लिखवा दीजिए। जी नहीं, तब करिए। बेबी ले जाइए। अबे निकाल दे। मेहरबानी आपकी लाली जी। बाबू क्या काम करते हो? यही लोग पैसा रखते हैं, मैं हिसाब रखता हूँ। तो सुनो, हमारे यहाँ भी रोज शाम को एक दो घंटे के लिए हिसाब का काम निकलता है। करोगे? जी क्यों नहीं, जरूर। कितने पैसे लोगे? जो कुछ मेरा मतलब है, जो आपके मन में आएगा दीजिएगा। मुझे कुछ पैसे कहने चाहिए। जैसे आपकी मत। अच्छा तो कल शाम से चले आ, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। मैं कल शाम को आ जाऊंगा। लेकिन देखिए, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो बुला तो मानिएगा, मैं आऊंगा जरूर, जरूर आऊंगा। कोई बात नहीं। I'm a good
केले बना रहे थे। अरे तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? कुछ नहीं थी, राह देख रही थी आपकी। ओ, खाना तो नहीं खाया होगा तुमने? हम नहीं भूखे रहने वाले। क्या किया? ये बोतलें पड़ी थी, छान पड़ा था, बेच डाले रोटियां बना ले, आटा मंदी में भी दे डाला। सच? ठीक कहते हैं, औरत सुई की नोक से घर बनाती। और फिर तुम देखो तो बैठा है निकम्मा बेकार, कुल हमारे का नाम बढ़ेगा जिससे। अरे लाले, मैं मरता रहता हूँ, तेरी माँ मरती रहती है, तू भी तो कुछ किया कर। अरे ये क्या? कुछ नहीं जी, थैला है, बाजार से दाल लाई थी ना। हो वारे पट्टे, चलो उठो यहाँ सर्दी। समझता है पीछे जाएगा तो हम पकड़ नहीं सकते? वो आता है सुधोर का बच्चा, चुप जाओ। वो आगे मत जाओ, देख लेगा। ओ गिरदारी, ओ गिरदारी, ठहर जाओ, बद का बच्चा ठहर जाओ। अबे ओ कमीने। हो यार, हम बहुत मोटा है, हमसे नहीं भागा जाता। वो छोटा है, हमसे भी नहीं भागा। वो गिरदारी, ओ बिरादर मन, वापस आ जाओ, हमको तुम्हारा तकलीफ बताओ, हम तुम्हारा मदद करेगा। वो बद का बच्चा नहीं आता यार। इसका मतलब है खान, इसने जरूर चोरी की है। बेचारा गिरदारी मारा गया यार, आज ऑफिस के अंदर इंक्वायरी होने वाला है। वो नींबू निचोड़ के बच्चे ने सब कुछ पोस्टमास्टर साहब को बता दिया है। हाँ, मगर हम कर ही क्या सकते हैं? तुम सब कुछ कर सकता था, हमारा पैसा मुल्क में भेज दिया था, तुम्हारे पास पैसा था और तुम नहीं दिया गिरदारी को। देखो खान, अगर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं तो तुम क्या करेगा? मैं मार मार के हड्डी पतली एक कटूंगा और हम तुमको मार मार के अच्छा खान, कोई बात नहीं, तुझे तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी, तू कुत्ते की मौत मरेगा। तुम गीदड़ की मौत मरेगा, चूहे की मौत मरेगा, चिड़ी का बच्चा अक्ल तैयार हुआ, हम भी देखेगा। हाँ, अजीत दफ्तर से बहुत देर हो गई है, वो हेड क्लर्क मार डालेगा हम तो। चलो जल्दी चलो भाई। सच कहते हो गिरधारी ने उस आदमी के रुपए चोरी किए? और सच क्या होगा हेड क्लर्क साहब? अभी 3-4 दिन हुए, खान ने जबरदस्ती मुझसे 10 रुपए लेके गिरधारी लाल को दिए। कल इसके पास 30 रुपए कहाँ से आ गए? खैर, मैं पोस्टमास्टर को इसकी इत्तला कर चुका हूँ, मनी ऑर्डर वाले को भी बुलवाया है, अभी सब फैसला हो जाता है। गिरधारी लाल, खान, मुनी लाल, इधर आओ, बैठ जाओ। खान, तुम्हें इल्म है कि गिरधारी के पास पैसे नहीं थे? बाबूजी, हमसे कुछ मत पूछो, खुदा कसम हमको कुछ नहीं मालूम। ये दुरुस्त है कि तुमने कांशीराम से 10 रुपए छीन कर गिरधारी को दिए थे? काशी का दिए थे, लेकिन वो कांशीराम की कमींजी की कीमत थी। तुम चुप रहो जी, ये बहुत अच्छा, अभी सारा मामला अपने आप खुल जाएगा। गिरधारी लाल, तुम सच सच बता दो, कल तुमने मनी ऑर्डर वाले के पैसे रखे थे या नहीं? जी मैं, ये बाबू निर्दोष है भाई साहब,
वो पैसे मैंने अंदर की जेब में रख लिए थे और भूल गया, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए। तो फिर पैर क्या पैर, ये कि मैं तेरा सर का बाल गंजा कर दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। वो एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, बद का बच्चा। हेलो साहब, इससे हम नहीं बच लेंगे। मुनीलाल शेरखान जाओ, अपना अपना काम करो, जाओ। गिरधारीलाल तुम बैठो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाशय जी, बस इतनी सी बात थी जिसके लिए आपको तकलीफ थी। कोई बात नहीं जी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। आज से तुम मेल सॉर्टिंग में काम करोगे। जी क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम बेकसूर हो। पोस्टमास्टर साहब ने फैसला किया है कि एहतियातन तुम्हें कैश के काम से हटा लिया जाए। मगर हेड क्लर्क साहब, दस्तक करो। तुमसे बताना नहीं खान, आज मैं इस काशी के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा यार, अच्छा। नहीं मुनीलाल, नहीं क्या, मेरे हाथों से उसकी मौत आई है, आज इन हाथों से खून होने वाला। खान छोड़ो ना यार, वो मुझे इतना ही डरता है कमीने, तो बीच में मत आना। वो दिन जिस दिन से तेरी मैंने मदद नहीं की, उसी दिन से मैंने कसर शुरू कर दी। आज मैं तेरी शहर पर नहीं, अपनी हिम्मत से रहूंगा। अब बैठ भी जा यार, बहुत गामा खान का बेटा बनते है, जो बात करनी कहे वो बात करो। वो आया कमीना। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग खाना खाओ यार। दो कुदरत चर्चने काने दो, काने दो। नहीं यार, हमसे नहीं खाया जाता। हो तुमको शर्म नहीं आती बद का बच्चा? चोर सब उठा नींबू, निचोड़ हमारी दाल में। हमको तुम्हारे बगैर खाने का मजा नहीं आता है। हाँ, मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, भाई के साथ भाई ऐसा नहीं करता है। उठाओ तुम्हारा खाना, चलो उधर हमारे साथ बैठ के खाओ। उठो चलो। बैठो इधर, ये लो नींबू और निचोड़ो इसमें, और बताओ कि इस नींबू का क्या क्या फायदा है। नींबू का बहुत फायदा है खान, नींबू हाजमा ही ठीक नहीं करता, अकल भी ठीक कर देता है। क्या बात मेरा शेर। 460 पौने दो के हो गए। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी लाला जी, और कागज दीजिए। दे मौजू, और कागज दे दीजिए। कहाँ जा रहे हो माँ जी? स्कूल सुत्तों को लेने गई थी बेटा, सुबह छोड़ने जाती हूँ। तुम जाना जमाने को आग लगी है, जवान बेटी अकेली छोड़ी भी तो नहीं जा सकती। हाँ हाँ माँ जी, पर वो माई कहाँ गई? मर गई वो, भाग गई। नहीं तो तुम जानो बुढ़ापे में मुझसे ये सब कुछ थोड़ी होता है। क्या करूं बेटा, तुम्हारे नजर में अगर कोई औरत हो तो मुझे बताना, जो मेरी तरह मेरी सुत्तों का ख्याल करे। कैसे अच्छे दे दूंगी बेटा, और तो कोई नहीं माँ जी, मैं ही ये सब कर दिया करूंगी। तुम? हाँ, आपसे क्या पर्दा, अब तो उनकी तनख्वाह गुम हो गई है, हम घबरा उठे हैं, न जाने क्या होगा। अच्छा अच्छा बेटा,
ओ गिरधारी इधर आ यार। वो छोड़ ना यार, सब कुछ 5 बजे से तेरा इंतजार करते हैं। वो चल ना सालिम। कैसे जा सकता हूँ खान, अभी तो ये बैग बंद करने वाले। वो तो होता रहेगा कमीने, आज के रात तुम्हें छुट्टी है ना, मुझे नहीं। दुनिया के सब काम रुक सकते हैं, डाक नहीं रुक सकते। हो हम समझ गया खंजीर, तुम फिर बीवी के पास जाएगा सन मुरीद। गुलाम जो रुका ना से तेरे मरने पे। चल मुनी, ये नहीं जाएगा। गिरधारी लाल चलो, रात का वक्त हो रहा है, अंबाला का मेल बैग बंद करो। Thank you.
क्या हुआ? अरे जाओ, क्या बात है? बत्ती क्यों जला के नहीं रखती? आते ही बरस पड़ते, पूछा भी क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मर गया तुम्हारा? मेरा क्यों मरे भगवान कर? मरे बिजली कंपनी वालों का, जो बत्ती काट गए, 2 महीने का बिल नहीं दिया जिनका। तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं जरा कपड़े बदल चलता
गिरधारी क्या है मनी? 21 तारीख थी ना जिस दिन तुम बक्सों में तुमने काम किया था। हाँ हाँ मर गए। देसी और चिट्ठी गलत बक्सों में डाली। बेशिकार चली आ रही है। तो फिर तुम तो जानते हो मनी भैया उस वक्त मैं होश में नहीं था। अब क्या होगा? गजब हो गया। क्या हुआ? तो तुम्हारे अंबाले का बैग अमृतसर, अमृतसर का बैग अंबाले पहुंच गया। उसमें कुछ रिश्ती भी था और उसमें कुछ बीमा भी था और उसको गलत लेबल तो नहीं लगा दिया था। मुझे कुछ याद नहीं। जाने मेरे क्या हो गया खान भैया? अब मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे बचा लो खान, मुझसे कोई काम नहीं होता। मैं जा रहा हूँ। फिर क्लास से कह देना मैं बीमार हो गया। मगर गिरधारी नहीं, वो गिरधारी बात तो सुन यार। गिरधारी माँ कहाँ है तुम्हारी? बता दी क्यों नहीं? बोल। मैंने कहा था बताना नहीं। क्या नहीं बता? बोल कहाँ गई? वो सुबह जाती है, शाम को आ जाती है। मैं आ गई थी, यही थोड़ी दूर गई थी, कभी नहीं गई। हाजी भाई और हाजी अब जल्दी आ गए। कहाँ जा रहे हैं बोजी? कहीं नहीं, कहीं नहीं। एक चंदा तू है और एक चंदा वो है ऊपर, उसके पास बहुत बड़े बड़े गुब्बारे हैं। मैं उसके पास जा रहा हूँ, वहां बादलों में शहर। तूने देखे ना वहां गुड़िया की दुकान? छोटी गुड़िया, बड़ी गुड़िया है ना पोती? जब धरती पर हर तरफ कोहरा पड़ जाता है और वहीं दिखने लगती है जैसे बहुत बड़ी चादर दसूती की, तो सूरज अपनी सोने की कैंची लपकाता है और दसूती पर काट सीखता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं वहां से सब फेंकूंगा। गुलाब जामुन, ओभारे, गुड़िया, दसूती, सब फेंकूंगा, सब सब फेंकूंगा। किधर ही? किधर ही? किधर ही?
100 का नोट यहाँ कैसे चला है? मुनी मुनीलाल मिल गया, 100 का नोट मिल गया। मैंने इस जेब में रखा था ना, बैठे उस पर से नीचे चलाया। खान खान ये तुम्हें क्या हो गया खान? हमको कुछ नहीं हुआ गिरधारी, हमको कुछ नहीं हुआ यार, मत घबरो। खान के लिए ये मामूली खराश है, खान मुसीबत में भी हंसना जानते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि जरा सा दुख हुआ और रेल के पाइये के नीचे सिर देने को भागा। खुशी बुजदिल का काम है कमीने, जिंदा रहना मुकदम है। तुम उस दिन हमको बोला था कि दुनिया में सब काम रुक सकते हैं मगर दांत नहीं रुक सकता। दुनिया का सब काम रुक सकता है, दांत नहीं रुक सकता। तो फिर घर को जाओ और सब कुछ भूल जाओ। कैसा अब तो खड़ी हो जाएगा। मैंने बीवी को मार डाला, मैंने बीवी को मार डाला। क्या वक्त हो तुम, क्या बोला है? अगर मैं बुजदिल था तो उसने भी तो 10 रुपए के लिए अपनी इज्जत बेच दी। ओए तुम भाभी के लिए ऐसा बोलता है? हम भाई का कसम नहीं खा सकता है, बहन का कसम नहीं खा सकता है, भाभी का कसम खाता है। तालीम का बच्चा लाख माए बेटी पैदा करता है, तब भाभी जैसा एक बेटी पैदा होता है और तुम उसको मार जाना, मार जाना तुम। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये तुम क्या किया हर दिमाग? चलो चलो घर के आगा भी चल मुनी चल। बाबी जान ये तेरे लिए मर गई जन्म जले, थैले बना बना के लड़कियों को स्कूल छोड़ छोड़ के इसने पैसे कमाए और तूने क्या समझ लिया? मुझे करवट ना दोगी मैं मर जाऊं, समझी थी? ये 100 का नोट मिल गया, यहाँ पड़ा था, इस पर जैसे से यहाँ चला है और मैंने तुम्हें, मुझे माफ कर दोगी थी? मुझे माफ कर। हाँ एक बात बताओ, क्या बात है? ये मुझे दे दो खान भैया, इनके लिए गरम कोट का कपड़ा खरीद लाओ। अच्छा अच्छा भाभी, हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं, चल मुनी। माँ हाँ बेटे इधर आओ, बाबूजी का कोट आ गया है ना, एक दिन तेरी तकदीर भी आ जाए।